बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। सबसे पहले जो मंदिर या पूजा स्थान के बारे में जानने लायक चीज है वो है रंग, किस रंग का होगा, और दूसरा स्थान, किस स्थान पर होगा, किस रंग का पूजा स्थान और किस स्थान पे पूजा स्थान बनाएंगे, पहले ये समझते हैं। सामान्य रूप से घर या मंदिर घर के ईशान कोण में होना चाहिए। जो घर में आप मंदिर रखने वाले हैं, घर का जो मंदिर है ये घर के ईशान कोण में यानी पूरब उत्तर के कोने में हो तो बहुत सुंदर होगा। अगर ईशान कोण में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम पूर्व दिशा का प्रयोग कर लें, पूरब दिशा की तरफ आप इसको रखें। कम से कम एक दीवार मिल जाए पूरब की, ईस्ट साइड की, और कोई बात नहीं है कि वो पाप पुण्य नहीं, बात यह है कि ईस्ट डायरेक्शन से सूर्य की रोशनी आती है और सूर्य की रोशनी के अंदर पॉजिटिव तरंगे हैं, सकारात्मक ऊर्जा है, इसीलिए पूर्व दिशा का प्रयोग तो कर ही लीजिए। अगर फ्लैट में रहते हैं तो आपके लिए दिशाओं का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सूर्य के प्रकाश का ध्यान रखें। अगर ग्राउंड फ्लोर पर हैं तब तो वास्तु के नियम मानने पड़ेंगे, लेकिन अगर जमीन के ऊपर चले गए, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो आपके लिए वास्तु के नियम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए ऐसी दशा में सिर्फ सूर्य के प्रकाश का ध्यान रखिए। पूजा का जो स्थान है वो नियत होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए, और उसको बार बार बदलने की कोशिश मत कीजिए कि आज इस जगह, कल उस जगह, परसों उस जगह, क्योंकि जब किसी खास जगह पर रहेगा और एक ही जगह पर रहेगा तो उसकी शक्तियां वहां पे इकट्ठी होंगी, एक साथ कोलैबोरेट हो जाएंगी। पूजा स्थान का अगर रंग हम समझना चाहें, पूजा का कोई रूम है, पूजा का कोई प्लेस है, तो इसका जो रंग है वो हल्का पीला होना चाहिए या सफेद होना चाहिए, लेकिन आपको गाढ़े रंग से बचना है। अब ये नहीं कि भूरा करवा लिया, नीला करवा लिया, ऐसा नहीं, लाइट शेड। पूजा का मतलब मन का एलिवेशन है ना, मन कितना एलिवेट हो पाएगा, मन कितना हाइयर लेवल पे जाएगा, उसके लिए लाइट कलर की जरूरत ज्यादा है, तो हल्का पीला या सफेद रंग का इस्तेमाल करेंगे। ये जो तिकोना और मंदिर वाला पूजा घर आजकल बना बनाया रेडीमेड आता है ना, वो आपको साइकोलॉजिकली लगता है कि वो मंदिर की तरह दिख रहा है, बट होता उससे कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो त्रिभुज बनता है, गुंबद बनता है, जो त्रिकोण बनता है ऊपर, उसका बेनिफिट तब होता है जब उसके नीचे बैठ करके पूजा की जाती है। मंदिरों में वो ऊंचा होता है तो उसके नीचे आप बैठ सकते हैं, अब घर में इतना ही बड़ा मंदिर है छोटा सा, उसमें भी त्रिभुज बना दिए तो वो सब करना बंद करिए, उसका कोई मतलब नहीं है। तिकोना या गुंबद वाला मंदिर पूजा स्थान पे न रखें, उससे बढ़िया है कि एक चौकी रख लें, एक पटरा रख लें और उस पर कपड़ा बिछा करके एक सुंदर सा पूजा का जगह बना लीजिए। भगवान को क्यों अलमारी में बंद करेंगे, बहुत सारे लोगों के मंदिरों में दरवाजे होते हैं, रात में दरवाजा बंद, भगवान को भी बंद कर दिया, ये सब करना बंद कीजिए। ये समझिए कि पूजा स्थान होना चाहिए, पूजा के लिए वो त्रिभुज वाली और गुंबद वाली जगह होगी ये जरूरी नहीं है।